हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सोनिका यादव फ्रॉम एचसीआई एंड इट इज माय लेक्चर नंबर 5 ऑफ द चैप्टर नंबर 2 दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो आवर टॉपिक इज द मूवमेंट इन प्लांट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से प्लांट शो वेयर प्लांट्स आर फिक्स्ड एंड दे डू नॉट शो मूवमेंट. Movement is not like the move from one place to another, but they show movement in the body like their roots, they move downward, shoot move upward, leaves move according to external stimulus. So the movement in the plant is a slow movement. Slow movement. Plant show bending toward the sunlight or plant roots, they move toward the source of water. So that is a growth movement, or it may be the directional movement for any external stimulus. So plant movement are of two type. Plant movement are of two type. One is the tropism and one is the nastic movement, or the tropic movement or the nastic movement. Tropism, in which direction is fixed and plant show response to a specific direction, but nastic movement, plant show response but there is no specific direction. So first of all I want to discuss with you the tropism, or we can say the tropic movement, a growth movement of plant part. So first of all ये क्या है, growth movement है plant part की, किसके response में, external stimulus के response में, in which direction of stimulus determine. अब यहाँ पर देखो fix क्या है कि किस direction से stimulus मिल रहा है, determine the direction of response. ये रिस्पॉन्स ये नहीं है कि सिर्फ स्टिमुलस मिला और रिस्पॉन्स आ गया, ना. फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस क्या है और वो डिसाइड करेगा कि डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स क्या होगा, दैट इज ट्रॉपिज्म. सो इसको हम डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट भी कह देते हैं. अब प्लांट दो तरह की इसमें शो करेगा मूवमेंट, की टुवार्ड द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. सो इफ the growth of the plant toward the stimulus, वो कहलाएगा positive tropism. अगर growth away from the stimulus रही, so that time वो कहलाएगी, that is negative tropism. अब हम बात करेंगे कि type of tropism कितनी है. So type of tropism है 5. किसके base पर? Stimulus के base पर. So स्टिमुलस क्या क्या रहेगा यहाँ पर? पहला स्टिमुलस है लाइट, दूसरा है ग्रेविटी, थर्ड है केमिकल्स एंड द फोर्थ वन इज वॉटर एंड द फिफ्थ वन इज टच. सो दीज आर द स्टिमुलस एंड दे हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ द ट्रॉपिज्म. सो फॉर द लाइट कहलाएगा फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविटी के लिए कहलाएगा दैट इज जियोट्रोपिज्म, केमिकल्स के लिए कीमोट्रोपिज्म, वाटर के लिए हाइड्रोट्रोपिज्म एंड फॉर द टच दैट इज नोन एज थिग्मोट्रोपिज्म. ओके, सो for the various kind of the stimulus, various kind of the tropism are present. So first of all I want to discuss with you that is the phototropism. So what is a phototropism? Movement of the plant part in response to light, that is called phototropism. So plant ke जो रिस्पॉन्स है लाइट के लिए उसको कहेंगे फोटोट्रोपिज्म.
अगर प्लांट की बेंडिंग हुई या मूवमेंट हुई टुवार्ड द लाइट तो उसको कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और अगर प्लांट की मूवमेंट हुई है अवे फ्रॉम द लाइट सो वो कहलाएगा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। सो यहां पर स्टिमुलस क्या रहा प्लांट के लिए, दैट इज द लाइट। सो व्हेन स्टिमुलस इज लाइट टाइप ऑफ ट्रोपिज्म इज फोटोट्रोपिज्म। सो विच पार्ट ऑफ द प्लांट शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, यस वी ऑल नो स्टेम, बिकॉज स्टेम मूव टुवार्ड द सनलाइट सो दैट शो द पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, एंड रूट्स दे मूव डाउनवर्ड अवे फ्रॉम द लाइट सो दैट शो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ओके नेक्स्ट वन इज द जियोट्रोपिज्म, जियो दैट मीन्स ग्रेविटी। सो प्लांट का मूवमेंट किसके लिए, ग्रेविटी के लिए। सो द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी वो कहलाएगा जियोट्रोपिज्म। अब यहां पर स्पेसिफिक क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी। वी ऑल नो जो अर्थ की ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड है, सो द रूट्स शो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बिकॉज रूट्स मूव डाउनवर्ड टुवर्ड द ग्रेविटी, सो दैट इज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एग्जाम्पल रहेगा रूट्स। अब हम बात करेंगे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, अगेन नेगेटिव में क्या रहेगा, प्लांट पार्ट विच मूव अगेंस्ट। अब स्टेम क्या है, स्टेम ग्रेविटी से दूर जा रही है, सो दैट टाइम स्टेम शो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म जस्ट अपोजिट टू द फोटोट्रोपिज्म। सो इफ अ प्लांट विच शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, दैट मीन्स वी कैन कॉल इट स्टेम, और इसके साथ हम कह सकते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बिकॉज ग्रेविटी से दूर जा रहा है। सो स्टेम इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। रूट विच शो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म बिकॉज रूट्स मूव डाउनवर्ड अवे फ्रॉम द सनलाइट, बट इट शो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बिकॉज टुवर्ड द अर्थ द ग्रेविटी, सो रूट्स मूव टुवर्ड द अर्थ, सो रूट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड रूट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म एंड पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। नाउ आवर नेक्स्ट दैट इज द कीमोट्रोपिज्म। सो हियर द स्टिमुलस इज केमिकल सब्सटेंसेस, सो द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुलस दैट इज नोन एज कीमोट्रोपिज्म। अगेन सेम होगा पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, दैट मीन्स टुवार्ड द केमिकल प्लांट शो मूवमेंट, एंड नेगेटिव दैट मीन्स अवे फ्रॉम द केमिकल्स। ओके सो एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीबीएसई आस्क इट सो मेनी टाइम्स, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। हियर यू कैन सी अ वन डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ फ्लावर। इन द फ्लावर और स्पेशली इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर थ्री मेन थिंग्स आर प्रेजेंट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। सो स्टिग्मा, स्टिग्मा इज द फ्लैटन स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन। नाउ पोलन ग्रेन यू कैन सी pollen grain land on the stigma, style it is a fine tube like structure which carry the pollen tube and passes to the ovules. Now how we can explain the chemotropism through this diagram, so my very first question to you, ye pollen tube ovule ki taraf hi kyon aayi, ye band hokar bahar wapas kyon nahi gayi? So reason is that release of the chemical,
अब केमिकल क्या है? फ्रक्टोज एक केमिकल है जो ओव्यूल सिक्रीट करता है. कौन सिक्रीट करता है? ओव्यूल. ओव्यूल दैट प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, इट सिक्रीट अ फ्रक्टोज शुगर एंड दैट शुगर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल. बिकॉज हियर द फ्रक्टोज इज द केमिकल सब्सटेंस एंड इट ड्यू टू दैट केमिकल सिक्रीशन द पोलन ट्यूब मूव टुवर्ड द ओव्यूल. दैट मीन्स दैट फ्रक्टोज और दैट केमिकल इज द स्टिम्युलस एंड पोलन ट्यूब जर्मिनेशन टुवर्ड द ओव्यूल इज द रिस्पॉन्स ऑफ द पार्ट. So here this pollen tube move toward the ovule is positive chemotropism if it move away from that time negative chemotropism. Okay, so this is the example of chemotropism, the movement of pollen tube toward the ovule. CBSE में ये question आया था 2 marks का. Okay, so next one is the hydrotropism. Hydro means water. So what is the stimulus? Hydrotropism, water. So movement of plant part in responses to the water is known as the hydrotropism. So basically roots, they show positive hydrotropism because roots move toward the water source. But some part of the plant which move away from the water source, so that is negative hydrotropism. So it can also explain with the help of the diagram. Yes, you can see this diagram. This is the explanation of hydrotropism. Here a plant is grown and root grows straight into the moist soil, but you can put a glass or we can say flask which having pores in it, and you supply water to that glass only, always. That means aap is glass mein hi pani dal rahe hain, yahan se pore hai, so pani is pore ke through is soil mein aayega aur soil ko moist kar dega near that glass. बट जहां पर प्लांट है, प्लांट के आसपास सोइल ड्राई हो चुकी है, अब प्लांट की रूट को चाहिए वॉटर, सो दैट बैंड टुवर्ड दैट सोर्स ऑफ वॉटर. सो अगर हम हमेशा इसी ग्लास ऑफ में वॉटर डालेंगे, सो रूट बैंड हो जाएगी टुवर्ड दिस सोर्स ऑफ वॉटर. इट इज अ पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म. That means हमने स्पेसिफिकली एक चीज देख ली कि डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस फिक्स है, सो उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स मिला, अदरवाइज डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता. ओके, सो नेक्स्ट वन इज द थिग्मोट्रोपिज्म. थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो मीन्स होता है बेटा टच. सो द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच एन ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज थिग्मोट्रोपिज्म. अब क्लाइंबिंग पार्ट की बात कर लेते हैं. आपने लोकी देखी होगी, कुछ ऐसी प्लांट की देखे होंगे जिनकी स्टेम वीक होती है, एंड उस वीक स्टेम के पास अगर आप कोई सपोर्ट लगा देते हैं, सो जो वीक स्टेम है दैट कर्ल टुवर्ड दैट सपोर्ट एंड दैट वाइंड अप अराउंड इट, एंड वो उसके ऊपर चढ़ जाती है. सो किसका मेन रोल रहा? टेंड्रिल्स का. टेंड्रिल्स क्या होते हैं बेटा? फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी वीकर स्टेम, एंड व्हेन दे फाइंड अ सपोर्ट दे कर्ल अराउंड दैट सपोर्ट एंड दे क्लाइंब अप द पार्ट ऑफ दैट सपोर्ट. सो इफ सपोर्ट इज प्रोवाइडेड और एनी स्टिम्युलस दैट इज लाइक मे बी अ स्टिक हो सकती है, कोई थ्रेड हो सकता है, कोई रोप हो सकती है, सो प्लांट शो द मूवमेंट टुवर्ड दैट सपोर्ट और दैट टच दैट हेल्प इन द
ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड दैट इज नोन एज थिग्मोट्रोपिज्म, और टुवर्ड दैट टच मूवमेंट हुई है, सो दैट इज पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म. ओके, सो यू कैन ऑल्सो सी दिस इज द डायग्राम. ये है स्टेम टेंड्रिल. स्टेम टेंड्रिल अब ये डायरेक्शन क्या कर रहा है, प्लांट की फिक्स कर रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट है एक बैम्बू स्टिक. अब ये टेंड्रिल इसके चारों तरफ सर्कल होता चला गया, और ये अब जो वीक स्टेम है ये चारों तरफ इसी के ही घूम जाएगी. दैट मीन्स टेंड्रिल्स आर पॉजिटिवली थिग्मोट्रोपिज्म, दैट मीन्स दे ग्रो टुवर्ड द सपोर्ट ऑलवेज. ओके, सो टेंड्रिल्स शो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.